वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन मिलना है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, सेकेंड ईयर PUC कर्नाटका स्टेट बोर्ड हिंदी साहित्य गौरव में से मध्यकालीन कविता रैदास वाणी। पहली कविता है रैदास वाणी, संत रैदास जी से रचित इस कविता को सीखने जा रहे हैं, भाग एक है। इस कविता के माध्यम से कवि परिचय, संत का परिचय करेंगे और उसके बाद जो कविता का भावार्थ है उसे समझाएंगे, कठिन शब्दों के अर्थ, क्वेश्चन एंड आंसर्स सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए छात्रों। तो शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय, ठीक है। संत रैदास जी का जीवन परिचय शुरू करेंगे। यहाँ देखिए छात्रों, कर्नाटक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका द्वारा जो दी गई पाठ्यक्रम में साहित्य गौरव द्वितीय PUC हिंदी पाठ्यक्रम है, पाठ्यपुस्तक है, उसमें से आज हम मध्यकालीन कविता रैदास वाणी सीखेंगे, ठीक है। मध्यकालीन कविताओं में से सबसे पहली कविता है जो आने वाले क्वार्टरली टेस्ट के लिए, उसमें से फर्स्ट क्वार्टरली टेस्ट में ज़रूर यह पाठ्यक्रम में से सबसे पहली कविता है वो रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़िए और साथ ही साथ आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ इस कविता का सारांश, सॉरी कविता का जो भावार्थ और क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसके साथ साथ स्वसंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, अन्य विचारों को स्पष्ट कराएंगे। सबसे पहले रैदास के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। संत रैदास कैसे थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उनके माता पिता कौन थे और उनके गुरु कौन थे, उनके शिष्या कौन बने थे, यह एक छोटी सी कहानी है। मीराबाई उनकी शिष्या बन गई थी और उनके गुरु का नाम तो आप जानते ही हैं, रमानंद। तो उनके जन्म के बारे में जानेंगे, उनके विचार क्या था और उन्होंने जो संत बनने के बाद किस तरह की जो विचार को, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाया, इन सब विचारों को सीखेंगे। अब देखिए छात्रों, चित्र को ध्यान से देखिए, यही हैं संत रैदास जी। इस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ कुछ एडिशनल डाल दिया है, आप इसे चाहे भी ले सकते हैं, नहीं तो आप किताब में जो दिए हैं उसे भी अभ्यास कर सकते हैं। इनके जन्म, जन्मस्थान और जन्मदाता के बारे में अब जानेंगे। संत रैदास को रविदास भी कहते हैं, ठीक है। जो संत रैदास यानी रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी, कलसा भी कहते थे, तथा पिता का नाम संतोकदास रघु कहते थे था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी जी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी हैं। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत ही खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। इसलिए उनकी जो जीवन वृत्ति थी और वे कैसे रहते थे, उन्हें समाज के लिए एक दर्शन के रूप में दिया है। इसीलिए इस कविता को आपके सामने पाठ्यक्रम में, सेकेंड ईयर PUC पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है। वेरी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए,
और हम सब चाहते हैं हम हमें समाज में जाति भेद नहीं करना चाहिए, समान भाव से रहना चाहिए और अमीर गरीब जैसे असमानता नहीं होनी चाहिए। इन सभी विचारों को, भक्त और भगवान का संबंध किस तरह होता है, इन सभी विचारों को इनके जो पंक्तियों में, संत रविदास की वाणियों में हम देख सकते हैं। चलो, अपने पाठ्यक्रम में जो दिया है उस संत रविदास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए छात्रों, द्वितीय सोपान पद्य भाग में सबसे पहली पहला जो भाग है मध्यकालीन कविता, उसमें से रैदास वाणी आज हम सीखने जा रहे हैं। 91 पेज नंबर 91 खोलिए छात्रों, आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, देखिए छात्रों, रैदास वाणी, संत रैदास कवि परिचय अब करेंगे। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत थे और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है, उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेम भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर आपके अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता से और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ बनने के लिए हमें अपने जो जन्म और अपने जो व्यवसाय से हम श्रेष्ठ नहीं बनते हैं छात्रों, हम अपने विचारों की श्रेष्ठता से और गुण के आधार पर, हमारे जो स्वभाव है उसके आधार से हम श्रेष्ठ बनते हैं। और उनकी जो भक्ति भगवान के लिए, उनकी जो भक्ति थी बहुत ही सरल और सहज भाव से था। न तो इसमें योग मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, इसकी जटिलता भी नहीं। भक्ति का जो शास्त्रीय विधान है, जैसे कि पूजा पाठ करना, जैसे मूर्ति पूजा करना, मंदिर में जाके वहाँ पूजा करना, इस तरह के जो शास्त्रीय विधान भी नहीं। वस्तुतः प्रेम भक्ति से वे बहुत अनुरक्त थे, अनुगत थे और उनकी वाणी में भक्ति भावना देख सकते हैं, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि हम देख सकते हैं। और इनके जो उपदेश और भजन वाणी, इन सबको लोग सुनकर उससे प्रेरित होकर उनके अनुयायी बन जाते थे। और चमार कुल में जन्म लिए थे, फिर भी उनके जो विचार क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ विचार रखने वाले महान संत कहलाते हैं। और इन पदों में, प्रस्तुत पदों में संत रैदास क्या कहना चाहते हैं, और विशेषता जब आप सेकेंड ईयर पीयूसी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में अगर रैदास वाणी से संबंधित ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए यह देंगे, तो आपको संत रैदास जी के जो इस रैदास वाणी कविता की विशेषता भी लिखना चाहिए। और यह विशेषता है छात्रों, ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, विशेषता है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, पाती, धागा और दास संबोधित किया है। तो भगवान को, प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं, इन विचारों को स्पष्ट किया है। ये सभी विचार क्या है, आपको विशेषता के रूप में एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ससंदर्भ भाव स्पष्ट करते समय आपको पाठ के जैसे नहीं लिखना चाहिए, और उसके लिए कैसे लिखना है पाठ में, सुजान भगत में एक्सप्लेन किया है, प्लीज वॉच द वीडियो। और यहाँ
जो कविता है उस समय आपको कविता का नाम, मध्यकालीन कविता, कविता का नाम रैदास वाणी, कवि या दोहाकार का नाम क्या है, संत रैदास जी। नेक्स्ट उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ को लिखना है। छात्रों कठिन शब्दों के अर्थ इसलिए लिखना है क्योंकि यह कई बार खड़ी बोली नहीं हिंदी, पूर्व हिंदी भाषा का प्रयोग कहीं देख सकते हैं, और इन सभी शब्दों के जो पूर्वी पश्चिमी भाग के हिंदी का प्रयोग भी कई बार देखते हैं, इसलिए आपको कठिन शब्दों के अर्थ के साथ कम से कम 3 कठिन शब्द आपको लिखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ससंदर्भ भाव का अर्थ समझाइए, भावार्थ समझाइए, उसके बाद विशेषता भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन द 4 लाइन्स, मीन्स आपको जो संदर्भ में है उससे संबंधित विशेषता को लिखना है। चलो शुरू करते हैं कविता को, आगे बढ़ेंगे। अब मैं पढ़ रही हूँ, आपको फॉलो करना है, किताब खोलिए, अंडरलाइन करते जाइए। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोते बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने पे मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भगत करे रैदासा। यहाँ शब्द दिए हैं छूटे, रट अंडरलाइन करते जाइए, चंदन, पानी, समानी, प्रभु, घन, मोरा, चंद, चकोरा, दीपक, बाती, ज्योति, राती, जैसे सोने सुहागा। नेक्स्ट स्वामी, दासा, भगति, इन सभी शब्दों के अर्थ अगले पेज में आपको समझाएंगे। उससे पहले हम इन भावार्थ को समझेंगे, ओके। रैदास जी क्या कहने जा रहे हैं समझेंगे। अब छूटे कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, रैदास जी कहते हैं कि अब आपके रटन करने से, रट लगी यानी आपके रटन से हमें कैसे छुटकारा मिलेगी, क्योंकि तुम चंदन हो, चंदन का लेप बनाने के लिए जिस तरह पानी का इस्तेमाल करते हैं, चंदन का लेप बनते समय जिस तरह पानी चंदन के साथ मिल जाती है, वैसे आप हमारे शरीर के अंग अंग में मिले होने के समान लगता है, ऐसा एहसास होता है। इसलिए आपके रटन करने से कैसे हमें छुटकारा मिलेगी। और आगे चलकर कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन, घन मीन्स मेघ, बादल, हम मोरा, जिस तरह काले बादल को देखकर या आसमान में बरसने वाले बारिश से पहले जो मेघ होते हैं उन्हें देखकर मोरा, मोरा यानी मोर, नाचने अपने पंखों को खोलकर जिस तरह नाचता है, वैसे ही हम लोग मोर हैं। आप घन हैं तो हम मोर हैं। नेक्स्ट कहते हैं जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत चंद चकोरा मतलब चकोर पक्षी, चकोरा यानी चकोर पक्षी। चकोर पक्षी जिस तरह अपने दिमाग में सोचता रहता है, हमेशा याद करता रहता है जिस समय के लिए, रात के लिए, क्योंकि रात में चंद्रमा दिखता है, इसलिए चकोर पक्षी सोचने लगता है कब रात होगी। आप चांद है तो हम चकोर पक्षी हैं, ऐसे
कह रहे हैं। इस तरह आगे चलकर कहते हैं, भक्त और भगवान के संबंध में कहते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, प्रभु भगवान तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कहते हैं प्रभु अगर आप मोती हैं तो, अगर नहीं आप मोती हैं तो हम धागा, इससे क्या बनता है? बहुत ही सुंदर सा सुहावना जैसा एक हारा हार बनता है ना। सोने का हार बनाने के लिए मोती के साथ साथ धागे का इस्तेमाल किया जाता है। जिस धागे से एक सुंदर सा हार बनता है उसके लिए मोती होना अनिवार्य है। तुम मोती हैं हम धागा है, इससे एक सुंदर हार बन जाता है। नेक्स्ट कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। अब कह रहे हैं कि भगवान आप स्वामी हैं, स्वामी यानी मुखिया यजमान है, तो हम आपके सेवक हैं, दासा यानी सेवक, इस तरह हम अपने भक्ति को दिखा रहे हैं, ऐसा रैदास जी कहते हैं। रैदास जी अपने भक्ति को किस तरह प्रकट करते हैं? इसी तरह करते हैं कि राम रटन करने से, श्री राम का जो रटन करने से छुटकारा कभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि शरीर के अंग अंग में, चंदन का जो लेप है उसमें पानी जिस तरह समा जाती है उसी तरह समा गई है। श्री राम की जो भक्ति, श्री राम का जो रटन, श्री राम का विचार समा गई है, ऐसे कहते हैं। और आगे चलकर कहते क्या कहते हैं, अगर तुम घन हो गए तो हम आपको देखकर नाचने वाले मोर हैं। और जिस तरह चकोर पक्षी रात की चंद्रमा के लिए इंतजार करते हैं, तुम चंद्रमा हो हम चकोर पक्षी हैं, कहते हैं। दिन रात ज्योति जिस तरह प्रकाशमान होते रहते हैं उसमें दीपक आप हैं, हम बत्ती हैं, कहते हैं। सुहावना एक हार बनने के लिए धागा का इस्तेमाल होता है, तो धागा हम हैं, मोती आप हैं, और इससे एक सुंदर हार बन जाता है। कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हैं तो हम आपके सेवक हैं, स्वामी यानी यजमान हैं, मुखिया हैं, तो हम आपके सेवक नौकर हैं। और कहते हैं इस तरह हमारी भक्ति है। और आगे चलकर क्या कहेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, अब हम शब्दार्थ को समझेंगे, इसलिए इन सभी शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। देखिए अब कंटिन्यू कीजिए शब्दार्थ। छूटे, छूटे यानी कैसे, छूटे छूटे यानी छुटकारा पाना। छुटकारा पाना। नेक्स्ट रट, रट यानी रटन करना। नेक्स्ट प्रभु यानी ईश्वर, भगवान। नेक्स्ट चंदन, चंदन यानी श्रीगंध। पानी, पानी यानी जल नीर। नेक्स्ट समानी, समानी यानी समा गई है। नेक्स्ट घन, घन यानी मेघ। पर्याय शब्द और क्या है, बादल, है ना। नेक्स्ट मोरा, मोरा यानी मोर। नेक्स्ट चंद, चंद यानी चंद्रमा। नेक्स्ट चकोरा, चकोरा यानी
चकोर पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट क्या है? दीपक, दीपक यानी दीप या दिया, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? बाती, बाती यानी उसमें जो इस्तेमाल करता है करते हैं बत्ती। नेक्स्ट ज्योति यानी यंत्र, यह जोड़ना चाहिए, ज ज क्या है आधा हो जाता है ज्योति। राती यानी रात। देन सुहागा, सुहागा यानी सुहावना, सुहावना या सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्वामी, प्रभु, ठीक है। नेक्स्ट दासा, दासा यानी दास या सेवक। नेक्स्ट क्या है? भगति, भगति यानी भक्ति, ठीक है। छात्रों अपने किताब में कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बता रहे हैं प्रभु जी, सॉरी संत रविदास जी क्या कहने जा रहे हैं डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पंक्तियों में क्या कहते हैं देखिए। रविदास श्रम करी का ही जो लो पार बसाए, नेक कमाई जऊ करई कबहू न निहपल निहफल जाए। रविदास श्रम करी खाही ही जो लो पार बसाए, नेक कमाई जऊ करई कबहू न निहफल जाए। कहते हैं, अंडरलाइन कीजिए, श्रम काही ही करी जो लो पार बसाए, नेक करई कबहू न निहफल। निहफल यानी निष्फल, श्रम यानी श्रम मीन्स परिश्रम, मेहनत, है ना। नेक्स्ट करी यानी करना, करके। खाई ही खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो लो पार बसाया मतलब जीवन का निर्वाह, ठीक है। नेक्स्ट नेक, नेक यानी नियत, या पर्याय अर्थ क्या है? ईमानदार, ईमानदारी। निहफल यहां लिख रही हूं, निष्फल, निहफल यानी निष्फल। नष्ट, ठीक है। अब इन चार पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे, रविदास यहाँ क्या कह रहे हैं? परिश्रम के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आप एग्जाम में इन पंक्तियों को देंगे तो स्वसंदर्भ भाव स्पष्ट करने के लिए देंगे, तो आपको स्वसंदर्भ भाव लिखकर, उससे पहले आपको शब्दार्थ लिखकर, उसके बाद लास्ट में विशेषता भी लिखना है। उसमें आपको लिखना है, रविदास जी श्रम या परिश्रम का महत्व बता रहे हैं, ठीक है। कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए बता रहे हैं। मेहनत करने के लिए बता रहे हैं रविदास को, रविदास जी ने हम लोगों को कहते हैं कि हमें श्रम करके, परिश्रम करके, मेहनत करके जीवन का निर्वाह करना चाहिए, कहते हैं। उससे खाना खाना चाहिए, कहते हैं। और कहते हैं कि
जीवन का निर्वाह करने के लिए जो लो पार बसाय, यानी हमें कहते हैं कि हमें जीवन का निर्वाह के लिए मेहनत करना चाहिए, उससे हमें खाना चाहिए कहते हैं। और ये भी कहते हैं नेक कमाई जगु करई, जब भी तुम नियत से या ईमानदारी से कमाते हो तब कभी कबहु, यानी कभी, ठीक है, कभी वह काम या कमाई निष्फल नहीं होता है या नष्ट नहीं कहलाता है या नष्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य आप सब जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। और आप फर्स्ट लेसन में भी ये सीख के आए हैं, राइट, मेहनत का महत्व क्या है, परिश्रम क्यों करना चाहिए, परिश्रम न करने से क्या होता है, घर में जो कमाता है उसी का राज होता है, इसलिए आपको श्रम करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। डियर व्यूवर्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। कहते हैं ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। कहते हैं कब रैदास खुश होते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, और किस तरह के कामना करते हैं। यहाँ रैदास जी इस तरह की कामना कर रहे हैं कि राज्य में, राज यानी राज्य, राज यानी राज्य, ठीक है, सबन यानी सभी को, सभी को अन्न यानी खाना, खाना, ठीक है। नेक्स्ट सम बसे, समान, समान, प्रसन्न यानी खुश होना, राइट। तो रैदास जी खुश होते हैं जब हमारे राज्य में सभी को खाना मिलना चाहिए, कोई भूखे न रह जाए, ऐसा राज्य को चाहते हैं, इस तरह की कामना करते हैं कि राज्य में सभी लोगों को अन्न मिलना चाहिए या खाना मिलना चाहिए, और इस समाज में समता भरे समाज को चाहते हैं। विशेषता क्या है इन पंक्तियों में, विशेषता ये है कि समता भरे समाज को चाहते हैं, और समता भरे समाज का विचार यहाँ व्यक्त हुआ है, यही विशेषता है, राइट। और सभी को अन्न मिलना चाहिए यानी सब लोग समान रहना चाहिए, यहाँ छोटा बड़ा और अमीर गरीब जैसे असमानता यहाँ नहीं होना चाहिए इस समाज में, इससे रैदास खुश होते हैं, ऐसे कहते हैं। ऐसे समाज या ऐसे राज्य को चाहते हैं वहाँ सभी को अन्न मिलना चाहिए और एक दूसरे से समान भाव से और समता भरे भाव से समाज में रहना चाहिए, ऐसे रैदास जी चाहते हैं और हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें इस पृथ्वी में जन्म लेकर सबके साथ मिलजुल कर, सबके साथ बांट कर, खुशी हो या गम, कोई भी सबके साथ बांट कर, मेहनत करके, ईमानदारी से अच्छाई के मार्ग पे चलकर हमें जीना चाहिए, ऐसा विचार रैदास जी कहते हैं। उसके साथ साथ भक्ति के बारे में भी बताया है। कठिन शब्दार्थ इसके नीचे दिए हैं, छात्रों कॉपी करके अपने किताब में अभ्यास कीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी पूछते हैं कि जैसे स्वसंदर्भ भाव स्पष्ट करने के लिए पूछते हैं 4 अंकों के लिए, और क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए डेफिनेटली विल कम फ्रॉम द फर्स्ट लेसन 5 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स के लिए आपको आउट ऑफ 100 में 5 मार्क्स का, 100 भी नहीं, इस बार 80 मार्क्स कह रहे हैं, 80 मार्क्स में 5 मार्क्स का, सॉरी हाँ 5 मार्क्स का पार्ट इस कविता से, प्रस्तुत कविता से ज़रूर क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए अभ्यास करते रहिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल पे हमेशा साथ जाइए, क्योंकि एक एक क्लासेस, एक एक लेसन का, कविता की और सभी शब्दार्थ, व्याकरण विचार सब कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करना है उसके लिए भी वीडियो बनाया है, व्याकरण के लिए भी वीडियो बनाया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट तो करते रहिए।
प्रिय छात्रों, अभी हम विदा ले रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक तो कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल में जो भी वीडियोस बनाया है उसे फॉलो कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़रूर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत। मिलेंगे अगले वीडियो में रैदास जी की रैदास वाणी कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर संदर्भ विवरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।